अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी दोस्त अब आप वीडियो देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा ये मुर्गा ठीक हो गया। कल इसकी आपने हालत देखी थी, अभी तो काफ़ी सारा बेहतर है। ये देखें आप, भाग रहा है, ठीक है। काफ़ी मतलब कि कल ये हुआ था ना कि इसके साथ ये टांगों से बिल्कुल रह गया था। मैं तो एक दफ़ा डर गया कि अब ये नहीं सीधा हो मतलब खड़ा हो सकेगा, इतना ज़्यादा डर गया था ये। तो दोस्तों, अभी ये मुर्गा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये देखें भाग रहा है अभी। तो यही था ना कि मेडिसिन वगैरह मैंने इसे दी है, वो आपसे मैं शेयर करूँगा मैंने क्या मतलब इन्हें मेडिसिन दी है, कौन सी मेडिसिन दी है। हालांकि देसी थी तो मतलब घर में मैंने खुद तैयार की है, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये ठीक हो गया। बाकी दोस्तों, मैंने परिंदे सारे निकाल दिए हुए हैं, मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये देखें बारिश है, माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम बना हुआ है ये। और परिंदे मैंने सारे निकाल दिए हुए हैं अपने। और टर्की मेरा जो है ना, ये काफ़ी सारा बेहतर हो रहा है। इसे मैं रोज़ ना वो दूध में रोटी भिगो के देता हूँ और ये ठीक हो गया। तो लेकिन ये है कि जब ये रेड वाला आया था ना, ये वाला, ये भी ऐसे ही था। अभी इसका ना ये मैंने खुद ये गिराए हुए हैं, मतलब उतारे हुए हैं, क्योंकि जब मैंने कार्गो मंगाई थी ना, ये वाली, कोई भी जानवर मंगाता हूँ तो उनके जो जब पैक होते हैं तो वो टूट जाते हैं, इनके पीछे से जितने भी होते हैं पार वगैरह, तो जब ये निकाल दें तो ये नए निकाल आते हैं, फिर खुद निकल आते हैं। अब ये ब्राउन वाला टर्की था ना, इसका भी ये पीछे नहीं था, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, ऐसे लगता था कि ये प्यारा नहीं लगेगा। लेकिन माशाल्लाह देखें आप कितनी बड़ी, अब ये देखें ये कितना छोटा लग रहा है, लेकिन ये है कि ये देखें कितना प्यारा और बड़ा लग रहा है, बड़ी हाइट में। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और काफ़ी बड़ा लगेगा जब ये टेल निकालेगा। दोस्तों, ये मुर्गा था, इससे भी वही मसला बना हुआ था ना कि ये कीड़े थे इसके पेट में, तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। अभी इसका ना थोड़ा सा मसला है कीड़े हैं, क्योंकि इसका कलर देखें ना कैसे, मतलब सही रेड नहीं है मुर्गा कलर, तो इससे समझ लग जाती है कि इसे सोकड़ा या कीड़े हैं इसके पेट में। तो इंशाल्लाह वो भी मैं ठीक कर लूँगा। इनसे तो आज मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो? ये देखें दोस्तों, सारे आए खा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये माशाल्लाह। ये मेरे रैबिट सारे चार रह गए हैं, लेकिन ये के चारों अभी फिलहाल तो ठीक हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं अभी। मलका रानी, इस मलका रानी का भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पेड़ लेके आऊँगा, अभी मुझे मिल नहीं रहा, जैसे मुझे मिला तो मैंने ये ज़रूर ले कर आना है। और बाकी देखो, अभी मेरे ब्रीडिंग सीज़न तो अभी फिलहाल में ऑफ है, क्योंकि अभी ब्रीड नहीं कर रहे। कैल्शियम वाला पानी मैंने दिया हुआ है, इसमें ये कैल्शियम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जरे जरे हैं नीचे वाले, ये सारा कैल्शियम है ये वाला, तो ये काफ़ी अच्छा था ब्रीडिंग के लिए। तो बाकी मैं अभी निकालता हूँ अपने इस मुर्गे को, इसे निकालते हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह, इसके अंदर पेयर वो लगाया हुआ है, तो अभी वो क्रीच में है, देखिए वो गिरा रही है अपना, तो जब भी ये पूरा करेगी ना, अपने पार वगैरह पूरे करेगी, तो ब्रीडिंग पे आ जाएगी। इसमें दूसरी भी, ये भी है, ठीक है, ये भी क्रीच पे लगी हुई है, आप देखें। तो ये भी ना जब ये निकालेगी ना, तो खुद बहुत अपने बच्चे भी छोड़ जाएगी और ब्रीडिंग पे आ जाएगी, अंडे देना शुरू कर देगी। बाकी ये देखें ना, उसे देख कर ना ताड़ है कि कभी अंदर आए तो फाइट करूँ। सर, अभी मैंने आपको एक ये बात बतानी थी कि मैंने एक मुर्गा लेकर आया हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, न्यू मेरा मुर्गा है मिनी जू में, ठीक है। अभी मैं इसे चेक कराता हूँ, इसका शो करवाता हूँ इसे पकड़ के, तो अभी यार मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसा लगेगा, ठीक है। या ये वाला मुर्गा है, तो अभी मैं इसे ना, अभी ये क्रीच में लगे हुए हैं, मौसम ही ऐसा है ना कि क्रीच वाला है, इसलिए तो मैं पकड़ के दिखाता हूँ इसे। तो दोस्तों, मैंने मुर्गा पकड़ लिया, ये वाला मुर्गा है, ये आप देखें, ये वाइट नोक नली में ये मुर्गा है, और इसके कील देखें आप, कितने बड़े कील हैं माशाल्लाह। तो अभी मैं इसका शो करवाता हूँ उधर छोड़ के, ठीक है। पहले तो इससे मैं पीछे करूँगा, चलो पीछे हो, पीछे पीछे, हाँ। ये मुर्गा जी, ये आप देखें, इसका शो करें आप, ठीक है। फुल जो कहते हैं कि ब्रीडर है ये, ठीक है, और बिल्कुल छोटी आईज में है, बिल्कुल छोटी, और इतनी बड़ी नोक नली, ठीक है। ये आप देखें, कील देखें आप इसके, इसे हम बोलते हैं हार, ठीक है। तो ये आप चेक करें आप, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मुर्गा ये कैसा लगा, ठीक है। ये आप देखें मुर्गा, अभी जो गर्मी की वजह से ऐसे हैं, तो अभी मैं इसे करता हूँ बंद इस जगह पर, इस मुर्गे को, चलो
ये माशाल्लाह फुल जो कहते हैं कि ब्रीडर है और वाइट नोग नली में है, ठीक है। टांगें इसकी इतनी हैं, तकरीबन छोटी सी टांगें हैं इतनी, और हार इसकी बहुत बड़ी है, जो कील होती है ना वो वाले। माशाल्लाह दोस्तों अब ये देखें टर्की कितनी प्यारी ये पाइलें डाल रहा है, ठीक है। ये पूरा फूल डालता है ऐसे, पीछे देखें फूल बना हुआ है ये वाला, ये माशाल्लाह ज़रूर बोले। इसी तरह ना वाइट वाला भी इंशाल्लाह डालेगा। अभी देखिए ना कितना प्यार, मैं बैठ के दिखाता हूँ, ये देखिए आप, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, शौक करें आप मेरे टर्की का। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो इतना प्यारा लग रहा है ना। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये कलर आपको कैसा लगा है और इसकी पाइलें, ठीक है। यही वजह होती है ना कि जब भी आप कोई कार्गो मंगाएं तो इसके पार टूटे हो गए, जैसे इसके पार हैं ना अभी निकले हुए, ये मैंने तोड़ दिए सारे निकाल दिए थे, इसी तरह मैंने इसके भी निकाले हुए हैं इसके भी। तो यही वजह है कि अभी ये न्यू निकालेगा और जैसे निकालेगा तो सेम ऐसे ही बन जाएगा ये भी। अभी मैंने इसे छोड़ा है और ये टर्की के काम देखे, इसके साथ फाइट करना शुरू हो गया है। ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। ये देखिए आप इनके काम, चलो उधर चलो चलो, ये नवाबजादे यहाँ पर इसके साथ फाइट करना शुरू हो गया। ये देखिए आप फिर आ रहा है, फिर आ रहा है इसके पास, ये देखें ये भी आ रही है, ये इधर खड़ा हुआ है और इसके साथ ना ये फाइट करने आ रहे हैं, ये देखें आप। तो अभी मैंने ना, चलो आप उधर चलो भागो, घूमने दो उसे, चलो चलो तुम भी उसे बैठने दो, आप रेस्ट करो जी, आप इधर रेस्ट करो। ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल शेयर कीजिए और दोनों को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।